मेडिकल में जाना रहा, डॉक्टर में जाना रहा, तो जरूर अच्छे बैठा ले लाइसेंस जिसका नहीं है उसका नहीं, सबको उठा के ला लिया सर रात में फिर रहे थे साउथ जोन अभी तक। हाँ नहीं जिसका नहीं लाइसेंस नहीं उन लोगों और जो कहाँ कहाँ फिर रहे नौ बच्चों कहाँ फिर रहे हैं फिर रहे कितना रो रहे थे क्या करना खाली देख में वो फंस गया देखने में फंस गया ऐसा ऐसा थप्पड़ मार दिए थे फंस गया रात में 4 बजे 3 बजे ठीक है और कुछ काम है तो भी नहीं होता है 280 नॉर्मल व्यक्ति को नहीं पकड़ 280 है यार जो शूटिंग कर रहा हूं खाली आवारा फिर रहा है पेरेंट्स को तकलीफ दे रहे सोसाइटी को तकलीफ दे रहे खाली वो लोग सऊदी में कमा रहे कितना कमा रहे कैसे कमा रहे आपको मालूम नहीं क्या लेबर वर्क कर रहे हो काउंसलिंग करेंगे पेरेंट्स को तीसरा बार सीधा क्रिमिनल केसेस से अंदर भेजते हाँ आपका थोड़ा वादा करना है ऐसा करके आप ही कराना है मैं नहीं करूँगा इसी तरह बाहर उक्का का नहीं जाएंगे हाँ उक्का सेंटर को नहीं जाएंगे आज से पहले आपके पूरा अभिषेक में कोई उक्का सेंटर स्मोकर सेंटर झगड़ा पुलिस को हम खुद पकड़ के पुलिस को सब लोग आएंगे वादा करने के बाद ऊपर करो भाई ऊपर करो पूरे बच्चों ऐसा ऐसा आवाज बच्चों आज के बाद से रातों में कोई गलत काम नहीं करेगा अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देगा। कल रात से ये पुराना शहर में साउथ जोन पुलिस एक ड्राइव शुरू कर दिया। ये ड्राइव का मामला क्या है, ये नबील का मर्डर होने के बाद बहुत पेरेंट्स को बहुत तकलीफ हुआ था, बहुत बुरा मान लिया, वो अननेसरली फंस गया मर्डर केस में। जो बच्चे लोग यूथ लोग रात में आवारा फिर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, वो पेरेंट्स को मालूम नहीं था। इसीलिए इसी तरफ क्राइम हो रहा था। इसीलिए आज रात में कल रात में 281 बच्चों को पकड़ के ये स्नोकर पॉइंट्स के पास और हुक्का सेंटर के पास तालाब कट्टा तीगलकुंटा में बहुत लड़कियां को टीज कर रहे थे। ये कॉलोनी का लोगों का ये पुराना शहर का रहने वालों का रिक्वेस्ट पे 10 टीम कल रात से ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। जो कुछ पर्पस बिना पर्पस के वो आवारा टाइप फिर रहा है उन लोगों को पकड़ेंगे। स्नोकर और हुक्का सेंटर में ये गंदा कार्यक्रम कर रहा है उन लोगों को पकड़ेंगे और झगड़ा करना बैटिंग करना आवारा फिरना ये लोगों को पकड़ के ये पूरा पेरेंट्स को सुबह बुला के थोड़ा काउंसलिंग कराया। वो काउंसलिंग करने के बाद वो लोग भी बहुत खुश थे। इसी तरफ ये पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ अपने बच्चों को अच्छा तरफ संभालना है, केयरिंग करना है, कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, क्या कर रहा है, अगर नहीं तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फंस जाएगा। सो इसीलिए ये पूरा पेरेंट्स को पूरा शहर को एक पीसफुल वातावरण में शांतिपूर्वक वातावरण में करने के लिए हमारा प्रयास है, हमारा कोशिश है। तो ये कंटिन्यू करेगा। इनिशियली शुरू में काउंसलिंग करने के बाद जो आदमी जान पूछ कर करेगा तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगा के उनको जेल भेज देंगे। ये पूरा पुराना शहर को वो अच्छा शहर बनाने के लिए वो अच्छा
एरिया बनाने के लिए हमारा कोशिश है।